टेस्टी फूड पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ स्वाति और आज मैं आपके साथ चिकन फ्राइड राइस की रेसिपी शेयर करूँगी। ये जो चिकन फ्राइड राइस है वो बहुत ही फेमस इंडो चाइनीज डिश है और इसे रेस्टोरेंट स्टाइल हम बनाएंगे, वो भी घर पर बहुत ही आसान तरीके से। इसे लगने वाली सामग्री आप पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। सारी सब्जियों को बारीक बारीक कट करना है, जैसे शिमला मिर्च, ग्रीन प्याज का व्हाइट और ग्रीन पार्ट लेना है, बीन्स लेनी है, दो बारीक कटे गाजर लेने हैं और पत्ता गोभी। जो मन चाहे वो सब्जियाँ आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं इच्छा के अनुसार। यहाँ पे लिया है अदरक लहसुन 2 टेबल स्पून बारीक कटा, बारीक कटी 2 हरी मिर्च और चिकन 250 ग्राम बोनलेस लेना है और पतले स्लाइस करनी है इसकी, और 1 कप बासमती राइस लेना है, उसको 2 से 3 बार अच्छे से धो लेना है इसका स्टार्च निकलने तक, और उसके बाद इसमें पानी डाल के इसको भिगोने के लिए छोड़ देना है 15 से 20 मिनट तक। 15 से 20 मिनट के बाद हमने इसका पानी निकाल दिया है और चावल अच्छे से फूल गए हैं। अब चावल को पकाने के लिए हमें 2 लीटर से भी ज़्यादा पानी को अच्छे से गर्म कर लेना है। एकदम गर्म हो चुका है, अब हम इसमें 2 बड़े चम्मच नमक मिलाएंगे, नमक थोड़ा ज़्यादा यूज़ करना है, और उसके बाद आधा नींबू का रस मिलाएंगे ताकि चावल एकदम वाइट और खिले खिले बने, और 1 टीस्पून ऑयल भी डालना है ताकि चावल एक दूसरे को ना चिपके, और उसके बाद हम इसमें चावल डालना है। ध्यान रखना है ठंडे पानी में चावल को बिल्कुल नहीं डालना है, गर्म होने के बाद ही इसके अंदर मिलाएंगे चावल को, और मीडियम फ्लेम पे हमें लगातार इसको पकाना है बिना इसको ढके। अब 7 से 8 मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे, हमें 80% ही इसको पकाना है, उससे ज़्यादा नहीं। हमने इसको तोड़ के देखा है तो 80% ये रेडी हो चुके हैं, कुक हो चुके हैं। अब हम इसको तुरंत पानी से बाहर निकालेंगे। बाहर निकालने के लिए एक छन्नी के ऊपर मैं इसको डाल दूंगी और इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकाल दूंगी। तो आप देख सकते हैं चावल जो है वो एकदम खिले खिले बन चुके हैं, तो इसको हमें जल्दी ठंडा होने के लिए एक थाली में इसको स्प्रेड करेंगे ताकि ये जल्दी ठंडे हो जाए और एक दूसरे को ना चिपके। तब तक एक बाउल में हम चिकन मैरिनेट करके रखेंगे, उसके लिए 1/2 छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1/2 चम्मच नमक मिलाएंगे, और रेड चिली सॉस हम 1 टीस्पून मिलाएंगे, और 1/2 टीस्पून सोया सॉस, और इसको अच्छे से मिलाना है, और मैरिनेशन के लिए हमें 10 से 15 मिनट तक साइड में रख देना है। 10 मिनट के बाद हम इसके अंदर 1 बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लोर मिलाएंगे। कॉर्नफ्लोर इसलिए मिलाना है ताकि सारे मसाले जो है वो अच्छे से कोट हो जाए। अब हम चिकन फ्राई करने के लिए पैन रख देंगे और उसमें 1 टेबलस्पून तेल मिलाएंगे। तेल जैसे ही गर्म हो जाएगा उसमें हम चिकन मिलाएंगे। बस हमें इसमें कुछ भी नहीं डालना है, चिकन में सारे मसाले ऑलरेडी इसमें डाल दिया है हमने। अब इसको हमें 1 से 2 मिनट तक हल्का चिकन का सफ़ेद कलर आने तक इसको हमें कुक करना है 1 से 2 मिनट तक। उसके बाद हम इसको ढक देंगे और लगभग 5 से 6 मिनट तक इसको पकाएंगे चिकन को, और 5 से 6 मिनट के बाद ये अच्छे से पक जाता है क्योंकि इसको हमने पहले ही मैरिनेट किया था और पीसेस एकदम छोटे छोटे हैं, तो 5-6 मिनट में पक जाता है। ये देखिए आप अच्छे से पक चुका है चिकन। अब हम इसको साइड में कर लेंगे और सेम पैन में हम ऑमलेट बनाएंगे, जैसे इसमें इसी तेल में अंडे को तोड़ के इसको डाल देंगे। अगर आप चाहे तो 2 से 3 अंडा भी इसमें मिला सकते हैं अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो। अगर आपको पूरा ऑमलेट ऐसे ही रखना है तो रख सकते हैं, बड़े टुकड़े करने हैं तो जो आपकी इच्छा है वैसे आप इसको कर सकते हैं। मैं इसको थोड़े से बड़े टुकड़ों में इसको कट करूँगी इस तरह से, और इसमें थोड़ा सा नमक मिलाऊँगी। और ये ऑमलेट तो पक चुका है, अब हम इसको चिकन के साथ ही मिलाएंगे और गैस का फ्लेम जो है वो बंद कर देंगे। अब हम
बाकी की तैयारी करने के लिए एक बड़े से पैन में 3 से 4 टेबलस्पून मिलाए हैं ऑयल। ऑयल गर्म होने के बाद डालेंगे लहसुन और अदरक के छोटे छोटे टुकड़े और हरी मिर्च, और इसको हाई फ्लेम पे ही हमें इसको चलाना है। उसके बाद वाइट प्याज डाला है मैंने, और जितनी भी सब्जियां हमने कट की थी वो सारी सब्जियां मिलाएंगे। बीन जो है वो उसको ज़्यादा समय लगता है, इसके लिए मैंने प्याज के साथ पहले बीन्स मिलाया है। और 1 मिनट के बाद हम बाकी इसमें सब्जियां मिलाएंगे, जैसे शिमला मिर्च, पत्ता गोभी और गाजर। और ध्यान रखना है, ये फ्राइड राइस में जो सब्जियां डलती है वो आधी पकी रहती है, आधी कच्ची रखनी होती है, क्योंकि इसका टेस्ट अच्छा आता है, क्रंची बनानी होती है। तो हाई फ्लेम पे ही मैं इसको 3 से 4 मिनट तक इसको चलाते रहना है। उससे पहले इसमें नमक मिलाएंगे। यहाँ पे मैंने नमक सिर्फ जितनी सब्जियाँ है उसी हिसाब से मिलाया है। 2 से 3 मिनट के बाद हम इसमें मिलाएंगे सोया सॉस और ये रेड चिली सॉस। अगर आप चाहें तो ग्रीन चिली सॉस भी मिला सकते हैं। अब इसको अच्छी तरह से मिलाना है सब्जियों के साथ, और थोड़ी सी हरी प्याज डाली है मैंने। अब ये जो हमारा चिकन था, चिकन और ऑमलेट था, वो सारे हम इसके अंदर मिला देंगे। इसे 2 मिनट तक इसको अच्छे से चलाते रहना है, और उसके बाद ये जो हमारे चावल हैं वो इसके अंदर मिलाएंगे। चावल की जितनी क्वांटिटी है उसी हिसाब से आप सब्जियों को कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने थोड़ी सी सब्जी इसमें ज़्यादा मिलाई है, अगर आप कम डालना चाहते हैं तो कम डाल सकते हैं। तो बस इसको हल्के हाथों से इसको सिर्फ चलाना है, बस चम्मच को नीचे ही डालना है, नीचे की तरफ से डाल के ऊपर सिर्फ उठाना है, ज़्यादा मिक्स नहीं करना है। इसको हल्के से टॉस करना है, अगर टॉस कर सकते हैं तो। पूरी तरह से इसको मिलाने के बाद ये जो फ्राइड राइस है सिर्फ 2 मिनट तक हम रख देंगे। उसके बाद इसमें और हरी प्याज मैंने मिलाई है गार्निशिंग के लिए। इसका खुशबू जो है वो बहुत अच्छा आ रहा है, और ये इसका टेस्ट भी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल लगता है। और आपने देखा ही होगा कि कितना आसान है, कोई भी इसको बना सकता है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक का बटन जरूर प्रेस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद साइड में जो बेल का बटन है उसको भी जरूर प्रेस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।